गेस करें इस कपड़े के नीचे क्या है। भैया यही कुछ होगा जब मैं हफ्ते हफ्ते बाद गाड़ी को खोलूंगा। ये देखो भैया, आराम कर रही है अंदर बिल्ली, फुल आराम कर रही है। पहले भाई गाने जरा रोकने कुछ सेकंड्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, ये से मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बॉयज। इस वक्त मैं और अली भाई जा रहे हैं यार गाड़ियां ढूंढने निकले हैं अभी। इसको ना पता नहीं क्या कैमरा ऑन होता है, इसके अंदर अचानक से एनर्जी आ जाती है, अजीब बात है। वैसे मैंने नोटिस किया है गाड़ियां ढूंढने जा रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अपडेट ये है कि अभी मैंने रब्ता किया है गाड़ी वाले बॉय से और बाय चांस जानने वाले कुछ निकल आए बीच में। अब लेट्स होप सो कोई डील बन जाएगी। एक सिल्वर कलर की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, और बहुत सोच विचार के बाद मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि उस गाड़ी की तरफ भी तवज्जो दे देनी चाहिए। और मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल आता है उस गाड़ी को परचेज करने से पहले, तो जैसे ही कोई डिसीजन होता है फिर मैं आपको बताऊँगा। और जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे करके ना हमारी गाड़ी खड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कौन सी गाड़ी है, लेकिन देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। देखते हैं अभी क्या डील बनती है या नहीं बनती। अच्छा भाई, अभी मैं गाड़ी चेक कर रहा हूँ और गाड़ी की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी रफ है, डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। दिखाएंगे और फिर अगर फेवरेबल प्राइस में हमें ये गाड़ी मिलती है तो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर इट। गाड़ी में काम बहुत ज्यादा है जो कि हमें मिल के सही करवाने पड़ेंगे और बहुत लंबा सफर होने वाला है इसको ठीक करवाने में, लेकिन डजंट मैटर, इंशाल्लाह मजा भी आएगा। और अपने हाथ में गाड़ी बनी हो ना, अपने हाथ से सेट की हो, आपने अपने हिसाब से सेट की हो, तो उसका मजा ही अलग होता है। जैसे जस्ट लाइक लालो। सुबह कंटिन्यू करेंगे अपन लॉक, आई एम गोइंग होम नाउ। ओके जनाब, गुड मॉर्निंग। गेस करें इस कपड़े के नीचे क्या है। आपकी और मेरी बहुत ही फेवरेट लालो, आई मिस्ड हर सो मच। आज हम ये निकालेंगे, काफ़ी दिन हो गए गाड़ी नहीं निकाली, आज हम इसको निकालेंगे और आज इसको लेके निकलेंगे, इन्जॉयस करेंगे। ज़रूरी काम भी, आपको पता है किस काम से हमने जाना है। भैया यही कुछ होगा जब मैं हफ्ते हफ्ते बाद गाड़ी को खोलूंगा। ये देखो भैया, आराम कर रही है अंदर बिल्ली, फुल आराम कर रही है। चलो भैया, टाइम आ गया कि आप यहाँ से निकलें। एक्सक्यूज मी, चलो बिस्मिल्लाह, शाबाश शाबाश, ध्यान से निकलना। चलो हिम्मत करो भाई। हेलो हेलो, भूल गई है रास्ता। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि अंदर आई कैसे है, ये नीचे सही होगी। चलो चलो, शाबाश शाबाश, गुड गर्ल गुड गर्ल, गुड गर्ल और गुड बॉय। निकल गई भाई, अच्छा किया बोनट खोल लिया है। अगर ना खोला होता टाइम पे तो बिल्ली ने आ जाना था इन बेल्टों के अंदर और बड़ा बैड सीन हो जाना था। ये देखो तो एयर इंटेक के साथ बिल्ली खेलती रही है, मेरा ख्याल है अब बस गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, मसला ना हो। सेंसर भी लगवाना है ये जो, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अबे वो है नीचे, निकली नहीं है बिल्ली अभी तक यार। वो है, लो जी वो तो पक्की हुई बैठी है, कहती है मैंने नहीं निकलना है। एक्सक्यूज मी बेबी, अब मैं इसको कैसे निकालूं, है भी बिल्ली का बच्चा यार, छोटा सा। Few inches later. चलो जनाब लेट्स स्टार्ट लालो, आफ्टर ऑलमोस्ट 1 week, बल्कि नहीं 10 दिन बाद यार, सॉरी लालो, माजरत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब स्टार्ट हो जाए।
शुक्र है भाई साहब पहले ये इंजन बे खोल के देख लिए, बिल्ली का बच्चा अगर अंदर आ जाता तो बहुत ही बैड सीन हो जाना था। और मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है कि यार क्या गाड़ कर रहा हूँ मैं गाड़ी तक। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कपड़ा शपड़ा डाल के अपनी तरफ से सेफ रखी हुई थी, लेकिन अब बिल्ली है नीचे से उसने घुसना है, कौन सा ऊपर से घुसना है। खैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। एक मसला आ रहा है कि एंड्रॉयड स्क्रीन नहीं चल रही, अब जब गाड़ी इस्तेमाल नहीं ना होती तो उसके अंदर मसले निकलते रहते हैं। खैर अभी चलते हैं यार, एक ज़रूरी काम है, चलते हैं गाड़ी चेक करवानी है जो कल आपको बताया था कल रात को। लेट्स गो भैया, गाड़ी को स्टार्ट किए और गाड़ी को चलाते हुए तकरीबन ना मुझे हो गए 15-20 मिनट हो गए हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गए होंगे, कम तो नहीं हुए होंगे। लेकिन ये जो एंड्रॉयड स्क्रीन है वो चलने से जो है वो इनकार कर रही है। अब पता नहीं क्या इशू है, क्यों नहीं चल रही, लेकिन मेरे पास इसका हल है, इसको हम रीसेट कर देंगे यहाँ से। अब हो जाए, हो गई, देखते हैं अभी ऑन होती है कि नहीं होती। आई एम रियली वेरी सॉरी लालो, वाकई मुझे बहुत दुख हो रहा है इसको इतनी देर बाद चलाया तो गाड़ी ने। देखो ना अंदर बिल्ली का बच्चा सोया हुआ है, फुल याशी कर रहा है अंदर इंजन बे के अंदर, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार इतनी देर बाद गाड़ी निकाल के। लेकिन यार कुछ नहीं होता, ये भी अभी होपफुली स्टार्ट हो ही जाएगी। लेट्स सी के होती है स्टार्ट के नहीं होती, या स्टार्ट नहीं हो रही, अगर स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना फिर ये मुझे बता देगी। मेरा जी नहीं भर रहा इसको देखते हुए, कसम से बहुत देर बाद निकाल के निकला हूं ना। कुछ नहीं होता, मेरी होने वाली गाड़ी भी प्रॉब्ली यहीं कहीं पे होगी। ओके बॉयज, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे डील चल रही है गाड़ी की। कौन सी गाड़ी है मैंने कल रात भी नहीं बताया, और आप में से कुछ तेज लोग हैं, आप मेरे से भी तेज है मुझे पता है, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कौन सी गाड़ी देखने आया था मैं कल रात। अब उसको बेसिकली हमने चेक करवाना है कि आया उस गाड़ी में क्या क्या इश्यूज हैं और कितने पैसे उसके ऊपर लगेंगे और वो कितने की होनी चाहिए। ये आज के दिन में हम मसला अपना रिजॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में वो सही करेंगे। और मुझे ये गाड़ी उस्मान साहब बेच रहे हैं। उस्मान साहब भाई साहब, उस्मान साहब आपकी एज क्या है? मेरी 13 ईयर्स ओल्ड है। सुबह से वेट कर रहे हैं, मेरा कह रहा था मैं आज तक इतनी देर से 9 बजे नहीं उठा, और कह रहा है मैं आपके लिए उठा था। बहुत प्यारा बच्चा है यार, मेरा छोटा भाई है, और ये इसके इनके वालिद साहब का शोरूम है और इनके रेफरेंस से इनके थ्रू हम वो गाड़ी देखने वाले हैं। अंकल का वेट कर रहे हैं जो इनके वालिद साहब हैं, वो आएंगे तो फिर गाड़ी चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। ओके भैया लालो यहाँ पे खड़ी करके जा रहे हैं, और ये वाली गाड़ी आ गई है जो कि आपको सही से नजर तो नहीं आई होगी, तो जा रहे हैं चेक करवाने, आपको एक ही दफा रिवील करके दिखाएंगे हम। ये है भाई मैकेनिक, ये चेक करेंगे गाड़ी पूरी। दूसरा अंकल जी जो एसी पे आरपीएम ड्रॉप कर रही है, भाई साहब गाड़ी चेक करवा के वो खड़ी है, गाड़ी चेक करवा के वापस आ गए हैं लालो के पास, और अब यहाँ से निकलते हैं। चंद चीज़ें हैं जिन चीज़ों में मैं कंफ्यूज्ड हूँ और अंकल के हवाले कर दी है मैंने, वही डील करेंगे, वही हिसाब किताब लगाएंगे इसका कि हमें ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत गर्मी है यार बाहर, और शुक्र है रमज़ान अच्छा गुजर गया हमारा। अब करनी है एडिटिंग और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं यार, अभी गाड़ी का बड़ा सीन चल रहा है और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, पता नहीं क्या सीन। जिनसे मैंने मतलब बेसिकली ना अभी 2-3 बंदे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेरे ज़्यादा जानने अजीज़ हैं, जो करीबी जानने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ मैं। अब देखो हमारी कितने में डील बनती है, गाड़ी में वाह काम है, अच्छे भले काम है, और देखते हैं क्या बनता है। अभी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करेंगे, और बाकी रही बात लालो की, तो यार लालो को भी अब बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह अब उस पर भी फोकस करना है। ये ना हो कि नई गाड़ी के चक्कर में मैं अपनी लालो को बर्बाद कर बैठूं, बेचारी बहुत मायूस थी आज, और दिल से मुझे अफसोस हुआ कि यार क्या मैं कर रहा हूँ, गाड़ी खड़ी भी हुई है। असल में गाड़ी चलती रहे ना यार तो ठीक रहती है, जब वो खड़ी हो जाती है तो फिर नाराज़ हो जाती है, तो लालो भी नाराज़ हुई पड़ी है मुझसे। खैर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दो में फिर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो, अगर ये गाड़ी मेरे हक़ में बेहतर है तो ही मुझे मिले, वरना ना मिले। ओके जी, बाय बाय। बड़ा हैवी किस्म का रिक्स लेने लगा हूँ मैं, बस अभी कोई मोबाइल उठाए ना मेरा, वरना मसला हो जाएगा।
ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता भाई मैं, हमें को उठा के ले जाता मसला हो जाता मेरे लिए।